हेलो एवरीवन दिस इज़ राधा हेयर एंड आई वेलकम ऑल इन दिस क्लास सो हेयर वी आर विद आर अनदर लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स जिसमें कि आज के लेक्चर में हम लोग रोबर्ट्स ऑन इन ट्रांसलोकेशन के बारे में देखेंगे सो so, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो प्रीवियस लेक्चर उनको देख सकते हो और अगर आपको पी चाहिए इनकी तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर टेलीग्राम लिंक है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर आपको प्रीवियस सारे लेक्चर की पी जो है वो मिल जाएगी सो so, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्रोमोजोम स्ट्रक्चरल म्यूटेशन कौन कौन से म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं डुप्लीकेशन देखने को मिल सकता है डिलीशन इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन में हम लोग ने दो तरीके का देखा था एक देखा था पैरीसेंट्रिक एक देखा था पैरासेंट्रिक जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो यहाँ पर पैरासेंट्रिक है यहाँ पर सबसे पहले क्या होते हैं सबसे पहले यहाँ प्योरिंग देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम की फिर यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में पैरासेंट्रिक में जो प्रोडक्ट मिलते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस, वहाँ पर दो तो नॉर्मल देखने को मिलते हैं इन्वर्जन वाला ये भी नॉर्मल ही है इसके अलावा दो नॉन वायबल देखने को मिलेंगे दो वायबल दो दो, दो नॉन वायबल पैरीसेंट्रिक इनवर्जन में क्या देखा था कि सबसे पहले पेयरिंग होगी क्रॉसिंग ओवर होगा और यहां पर भी क्या देखने को मिलेंगे दो नॉर्मल देखने को मिलेंगे और दो में एक में डिलीशन और डुप्लीकेशन यानी दो नॉन वायबल देखने को मिलेंगे ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी तो जैसा कि यहां पर ये पेरिसेंट्रिक का है इस साइड पेरिसेंट्रिक इसके अलावा ये है पैरासेंट्रिक तो पेरिसेंट्रिक में हम लोगों ने क्या देखा था पेरी सेंट्रिक के, के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर क्या चीज देखने को मिलेगी यहाँ पर ये यह हमारे पास में ये दिए गए हैं होमोलोगस पेयर ऑफ होमोलोग यहां पर दिए गए हैं इसके बाद में यहां पर क्या हुआ है होमोलोगस पेयरिंग हुई है यहां पर पेयरिंग होने के बाद में यहां पर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिला आफ्टर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर क्या देखने को मिला पेरिसेंट्रिक में क्रॉसिंग ओवर के बाद में यहाँ पर यहाँ पर डुप्लीकेशन देखने को मिला जैसे ये देखो ए बी सी डी ई और ए बी सी यहाँ पर ये दो बार है यानी डुप्लीकेशन देखने को मिला और यहाँ पर क्या देखने को मिला यहाँ पर डिलीशन देखने को मिला इसके अलावा यहाँ जो पहले वाला है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो ये वाला नॉर्मल है ठीक है इसके अलावा दूसरे वाला जो है यहाँ पर भी सारे ही हैं ए बी सी डी ई एच आई तो यहाँ पर सारे के सारे हैं जी एफ लेकिन इन्वर्जन है तो ये भी हमारा क्या है ये भी वायबल है नॉर्मल इन्वर्जन है लेकिन वायबल है और जिसमें डिलीशन और डुप्लीकेशन हुआ ये क्या है हमारे ये हमारे नॉन वायबल है जबकि पैरासेंट्रिक के के केस में क्या हुआ था पैरासेंट्रिक के केस में जो हमारा यहां पर सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था यहाँ पर क्या देखने को मिला यहाँ पर जो पेयरिंग हुई होमोलोग पेयरिंग हुई तो पेयरिंग के बाद में यहाँ जो प्रोडक्ट मिले क्या देखने को मिला ये नॉर्मल देखने को मिला एक प्रोडक्ट एक है नॉर्मल विद इन्वर्जन देखने को मिला ये वाला नॉर्मल विद इन्वर्जन इसके अलावा यहाँ एक ए सेंट्रिक फ्रेगमेंट मिला जिसमें बिल्कुल भी सेंट्रोमेर इन्वॉल्व नहीं है इसके अलावा एक आपको यहाँ पर डाई देखने को मिलेगा जहाँ पर की दो सेंट्रोमेर यहाँ पर इन्वॉल्व है तो ए सेंट्रिक और डायो सेंट्रिक कहाँ पर देखने को मिले हैं पैरा सेंट्रिक में और डिलीशन डुप्लीकेशन कहां देखने को मिला है पैरी सेंट्रिक में साथ साथ में वायबल क्रोमोसोम भी यहां देखने को मिले हैं वही चीज़ यहां पर भी दिखाई गई है कि एंड ऑफ म्यूसिस टू यहां पर क्या चीज़ें देखने को मिली हैं तो यहाँ पर ये यह शो की गई हैं उसी के डायग्राम्स यहाँ पर ये पैरासेंट्रिक इन्वर्जन का यहाँ पर बताया यह गया है किस तरीके से यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई लूप फॉर्मेशन हुआ उसके बाद में फिर यहाँ पर जैसे ही 1 के बाद टू में जब सेग्रीगेशन होता है तो तो के बाद में जब 2 में सेग्रीगेशन हुआ तो यहाँ पर पर एंड रिजल्ट ये देखने को मिला यहाँ पर. दो नॉन वायबल दो वायबल यहाँ देखने को मिले देन यहाँ पर पेरिसेंट्रिक में भी यही चीज दी गई कि क्रॉसिंग ओवर हुआ क्रॉसिंग ओवर होने के बाद मियोसिस वन के बाद जब मियोसिस टू में फेस टू में क्या रिजल्ट देखने को मिला यहाँ पर वही नॉर्मल और इसके अलावा एक इन्वर्जन विद नॉर्मल इसके अलावा यहाँ पर दो नॉन वायबल प्रोडक्ट देखने को मिले हैं पेरिसेंट्रिक में विद डिलीशन एंड डुप्लीकेशन ठीक है तो एंड रिजल्ट आप देख सकते हो पैरासेंट्रिक में क्या देखने को मिला पैरासेंट्रिक में और पेरिसेंट्रिक में दोनों में ही दो तो नॉर्मल थे नॉर्मल यानी वायबल ठीक है लेकिन पैरासेंट्रिक में अलग से क्या देखने को मिला है डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक कब आफ्टर और पेरीसेंट्रिक में डिलीशन और डुप्लीकेशन ये देखने को मिला है ठीक है इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं ये मैं कल करवाऊंगी आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ट्रांसलोकेशन में भी रोबर्ट सोनिंग ट्रांसलोकेशन है सो so, ट्रांसलोकेशन एक तरीके का होते, एक रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है एक नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब क्रोमोजोमल जो सेगमेंट है वो कहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम जैसे कि एक ये क्रोमोजोम है इसके अलावा एक ये क्रोमोजोम है तो यहां पर जब नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में जब यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोजोमल सेगमेंट है जब वो एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और नॉन रेसिप्रोकल क्या होता है सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोजोम ज्वाइन अन नॉन होमोलोग क्रोमोजोम ठीक है तो रेसिप्रोकल नॉन रेसिप्रोकल के बीच में डिफरेंस है तो आज का हमारा टॉपिक है रोबर्ट सोनिन ट्रांसलोकेशन क्या होता है तो पहले मैं यहां पर आपको समझाते हूँ थोड़ा सा बेसिक कि जो रॉबर्ट सोनिन ट्रांसलोकेशन है ये कहाँ देखने को मिलता है रोबर्ट सोनिन ट्रांसलोकेशन इसके लिए आपके पास में होने चाहिए क्या आपके पास होने चाहिए यहां पर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम होने चाहिए एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम यानी के एक यहां पर छोटी सी आम है यहां पर सेंट्रोमियर बिल्कुल यहां पर है और एक लॉन्ग आम है ऐसे होते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम ठीक है एक और बना लेते हैं इस तरीके से जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो क्रोमोजोम अंदर फोरटीन और ट्वेंटी वन है इनमें जैसे ये देखने को मिले तो ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम है ठीक है तो यहां पर क्या होता है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ट्रांसलोकेशन क्या से हो जाता है यहाँ पर कि जो ये रेड वाला ये वाला जो लार्ज आर्म है ये कहाँ पर ट्रांसलोकेट हो जाता है यहाँ पर तो अभी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इस तरीके से एक तो ये और लार्जर आम जो है दूसरे वाले की वो भी यहां पर आ गई तो ये कैसा हो गया ये हो गया मेटासेंट्रिक कैसा हो गया ये लॉन्ग मेटासेंट्रिक और जो दूसरा छोटा सा आम बचा जो ये दूसरे क्रोमोजोम के छोटे आम से ही जाके अटैच हो गया तो ये शॉर्ट मेटासेंट्रिक ठीक है तो ये कब देखने को मिलेगा रोबर्ट सोन ट्रांसलोकेशन जब आपके पास में क्या होंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम होंगे तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में जो लॉन्ग आर्म्स एक्रोसेंट्रिक आर्म आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और शॉर्ट आर्म आपस में ज्वाइन हो जाती है एज अ रिजल्ट आपको लॉन्ग एक्रोसेंट मेटासेंट्रिक और शॉर्ट मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम देखने को मिलेगा ठीक है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये क्रोमोजोम लिया हम लोगों ने एक ये लिया यहाँ पर ये एक्रोसेंट्रिक है ये सेंट्रो है यहां पर तो ये ब्रेक पॉइंट है यहां से ये ब्रेक होगा जिसमें ये वाला इधर जाके ज्वाइन हो जाएगा ये वाला इसके साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा तो रिजल्ट में क्या मिला यहां पर आपको मेटासेंट्रिक सेंट्रिक क्रोमोजोम मिला एक लार्ज मेटासेंट्रिक एक स्मॉल मेटासेंट्रिक ठीक है तो यहां पर, पर ये कैसे देखने को मिलेगा ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम देखने को मिलेगा ये दोनों क्या है ये एक्रोसेंट्रिक है तो ये ट्रांसलोकेशन जो है रोबर्ट इन ट्रांसलोकेशन कहलाता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने अपना क्रोजोम क्रोमोजोम और क्रोमोजोम लिया जो कि हमारे एक्रोसेंट्रिक है तो यहाँ पर कैसा देखने को मिला यहाँ पर यह जैसे ये होमोलोगस होमोलोगस पेयर है ये पेयर है तो यहां पर क्या चीज देखने को मिली यहां पर ये यह जाके ट्रांसलोकेट हो गया ठीक है तो एज अ रिजल्ट यहाँ क्या देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम यहां पर देखने को मिलता है तो चीजें कैसे चलती है हैं हाँ यहां पर ट्रांसलोकेशन कैसे देखने को मिलता है सो so, ट्रांसलोकेशन इन मियोसिस तो रोबोट्स इन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है जैसे हम लोगों ने क्या देखा हमारे पास में इस तरीके से क्रोमोजोम है ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम लेट सपोज एक ये है ये एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम है या फिर ऐसे बना लेते हैं इसको ये एक होमोलोगो स्पेर ऑफ प्रोमोजोम है ठीक है इसके अलावा एक ये है ठीक जैसे यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी सेम यहाँ पर भी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ठीक है इस तरीके से एक क्रोमोजोम है इसके बाद में दूसरा यहां पर ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ठीक है दूसरा ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम है एच आई जे के एल एम एन इस तरीके से लेट सपोज यहां पर जीन्स है तो यहां पर क्या होता है यहां पर जनरली हमारे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम है लेट सपोज तो यहां पर क्या हुआ यहां पर जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज हुआ यहां पर जैसे ये वाला लो नॉर्मल रहा ठीक है तो यहां पर कैसे चीजें देखने को मिली यहां पर लेट सपोज ये बाकी का हिस्सा आ गया दूसरे वाले क्रोमोसोम का एल एम एन के एल एम एन और दूसरे वाले में क्या हुआ इस वाला हिस्सा चला गया सॉरी ये एल एम एन तो यहां पर ये वाला तो इतना आएगा हिस्सा तो इस तरीके से ट्रांसलोकेशन हुआ यहां पे कहने का मतलब ये है इधर आ गया ई एफ जी ठीक है तो ऊपर वाले क्या है ऊपर वाले हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम है ये वाले क्या है ये नॉर्मल क्रोमोसोम ऊपर वाले दोनों के दोनों और ये वाले क्या हैं यहां पर ट्रांसलोकेशन हुआ है तो ये ट्रांसलोकेटेड है तो यहां पर जो पेयरिंग है वो नॉर्मल तो नहीं हो सकती पेयरिंग तो पेयरिंग कुछ इस तरीके से होती यहां पर क्रोमोजोम को इन्होंने नाम कुछ इस तरीके से दे, दे दिया एन वन एन टू जैसे इसको दे दिया मान लो एन वन इसको दे दिया एन टू नाम इसको इस तरीके से नेमिंग दे दिया तो पेयरिंग इनका नॉर्मल तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर ट्रांसलोकेशन हुआ है तो यहां पर पेयरिंग कुछ इस तरीके से बेंडिंग फॉर्म में पेयरिंग यहां देखने को मिलेगी ठीक है बेंडिंग फॉर्म में यहां पर पेयरिंग जो है वो देखने को मिलेगी जैसे कि इस तरीके से कुछ ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम था ये वाला तो इस तरीके से एक नॉर्मल क्रोमोसोम यहां पर ठीक है क्या क्या था ए बी फिर था यहां पर सी डी ई एफ जी सो ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी इसके अलावा एक यहाँ पर एक और नॉर्मल था हमारे पास में तो ये वाला बना लिया नॉर्मल एच आई जे के एल एम एन एच आई जे के एल एम एन है ना ये दो नॉर्मल क्रोमोजोम थे और दो में यहाँ ट्रांसलोकेशन हो रखा था तो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन किसमें हो रखा है एक तो ये देखिए एच आई जे के ई एफ जी ई एफ जी तो ई एफ जी वाला कुछ यहां आ जाएगा ई एफ जी वाला रीजन यहां आ जाएगा ई एफ जी वाला इतना इतना ठीक है ई एफ जी ई एफ जी ठीक है इसके अलावा और क्या है के एच आई और दूसरा हिस्सा आ जाएगा कुछ यहां पर इस तरीके से इस तरीके से था है ना दूसरा ट्रांसलोकेटेड तो एच आई जे के इस तरीके से जो ट्रांसलोकेटेड वाला है किधर आ गया दूसरा यहां पर देखिए दूसरा था हमारा ये वाला ए बी सी डी एल एम एन ए बी सी डी एल एम एन वाला तो यहां पर ये इस तरीके से ए बी सी डी ट्रांसलोकेटेड हो रखा था तो यहां पर ट्रांसलोकेटेड रीजन था इस तरीके से बेंडिंग होके ये पेयर होगा ठीक है एल एम एन तो ये एनाफेज वन में देखने को मिलेगा इस तरीके से क्लियर है ना फेज वन में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर सॉरी एना फेज वन में क्या देखने को मिलेगा अब एना फेज वन में जैसे में तो हाँ पर यह देखने को मिलेंगी एना फेज में क्या देखने को मिलेगा हो सकता है सेग्रीगेशन कैसा हो सकता है ये सेग्रीगेशन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है राइट ये सेग्रीगेशन इस तरीके से भी हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है ठीक है ये सेग्रीगेशन जो है ये इस तरीके से डायगनल भी हो सकता है तीनों तरीके से देखने को मिल सकता है तो तीनों तरीके से यहाँ पर सेग्रीगेशन जो है देखने को मिल सकता है तो ये हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन होगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा एन वन टी टू दिखेगा आपको यहाँ पर ट्रांसलोकेटेड टू जैसे ये एन वन था हमारा ये हमारा यहाँ पे एन टू था ये हमारा यहाँ पर टी वन था ये टी टू था तो अगर यहाँ पर आपका अगर यहां पर अगर लेट सपोज यहां पर जो सेग्रीगेशन किस तरीके का हो लेट सपोज यहाँ होरिजोंटल सेग्रीगेशन होरिजोनटल यानी कुछ इस तरीके से लेट मी टेक एनी अनदर कलर अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन यानी कुछ इस तरीके से तो हो तो हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल अगर सेग्रीगेशन हुआ एक वर्टिकल सेग्रीगेशन हो सकता है इसके अलावा ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन हो सकता है या डायगोनल बोल सकते हो तो यहां पर हॉरिजॉन्टल में क्या देखने को मिलेगा एन वन टी टू है ना ये वाला क्रोमोसोम नॉर्मल वाला और ट्रांसलोकेटेड वाला सो so, नॉर्मल वाला मिल सकता है ट्रांसलोकेटेड वाला मिलेगा और दूसरा एन टू और टी वन ये मिलेगा है ना और अगर वर्टिकल सेग्रीगेशन हुआ इसको इरेज कर देते हैं हम अगर वर्टिकल सेग्रीगेशन हुआ वर्टिकल यानी कुछ इस तरीके से अगर सेग्रीगेशन हुआ तो तो क्या देखने को मिलेगा एन वन टी वन एन वन टी वन और एन टू टी टू ठीक है और इसके अलावा अगर डायगोनली हुआ अल्टरनेट हुआ यानी कुछ इस तरीके से अगर सेग्रीगेशन हुआ इस तरीके से तो क्या देखने को मिलेगा तो यहां पर एन वन एन टू देखने को मिलेगा और टी वन टी टू देखने को मिलेगा तो इस तरीके से जब हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन हुआ तो क्या मिला वर्टिकल हुआ तो क्या मिला तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी तो जब यहाँ पर अब आप देखिए अगर यहाँ पर अगर एन वन टी टू मिलेगा यानी एक तो एन वन का ये वाला पेयर मिलेगा ए बी सी डी ई एफ जी वाला और दूसरा मिलेगा यहाँ पर कौन सा दूसरा यहां पर मिलेगा बना लेते हैं चलिए यहां पर ए बी सी डी एफ जी ए बी सी डी एफ जी देखो एक तो ये वाली रहेगी एक क्रोमेटेड दूसरी क्रोमेटेड लेट सपोज ये वाली है ना ये दोनों पेयर करेंगे एक, यहां से, एक यहां से यहाँ पर देखिए जी ए बी सी डी ई एफ जी एक ये वाला पेयर करेगा और दूसरा मान लो ये वाला पेयर कर रहा है ई एफ के जे के जे आई एच तो आप देख रहे हो ई एफ जी ई एफ जी ई एफ जी यानी डुप्लीकेट होगा तो ये क्या होगा ये नॉन वायबल होगा दूसरा क्रोमोसोम देखिए दूसरा ए बी सी डी ई ई एफ जी और यहाँ पर भी ई एफ जी तो यहाँ पर भी ई एफ जी है यहाँ पर भी तो ये भी डुप्लीकेट तो ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर पेयरिंग बनेगा कैसा होगा नॉन वायबल होगा तो इस केस में जितना भी होगा ना सारा नॉन वायबल मिलेगा सिमिलरली यहाँ पर भी एन वन एन टू में अगर देखोगे आप एन वन एन टू एन वन टी वन में भी तो ए बी सी डी इसके अलावा ये देखिए एल एम एन एल एम एन एक कॉपी यहाँ से उठेगी तो यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर भी डुप्लीकेशन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर भी जितनी कॉपीज मिलेंगे वहाँ पर आपको डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा मोस्टली तो ये वाला भी क्या होगा ये इसमें भी सारी आपको नॉन वायबल मिलेंगी लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर एन वन एन टू यानी ये देखिए एक कॉपी निकली ए बी सी डी ई एफ जी वाली इसको हाईलाइट कर देती हूं मैं। तो यहां पर एन वन और एन टू ऑल्टरनेट वाले में तो एक मिला ए बी सी डी ई एफ जी दूसरी क्या मिली एच आई जे के एल एम एन तो दोनों नॉर्मल हैं, है ना

देखिए यहाँ पर ट्रांसलोकेशन में सबसे पहले ये नॉर्मल एन वन है ये एन टू है ये टी वन है टी टू है पेयरिंग आपने देख ली पेयरिंग किस तरीके से होगी यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है इसके बाद ये देखिए एन वन और एन टू यहाँ दिए गए हैं टी वन और टी टू यहाँ दिए गए हैं और ये पेयरिंग यहाँ हुई है फिर उन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है कि जब एनाफेज वन में जब ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लो हॉरीजोन्टल या एडजेसेंट सेग्रीगेशन हो रहा तो क्या देखने को मिल रहा है और वर्टिकल हो रहा है तो यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलेगी तो यहाँ पर जब ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन होगा तो यहाँ पर सारी नॉर्मल मिलेंगे गैमेट्स और इन दोनों में जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा एडजेसेंट वन एडजेसेंट टू में तो यहाँ आपको नॉन वायाबल देखने को मिलेंगे क्लियर है बस इतनी सी चीज आपने ध्यान रखने की रोबर्ट इन ट्रांसलोकेशन में एक्रोसेंट्रिक्रोमोजम जो होते हैं वहाँ पर ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर जो बेंडिंग होगी जो पेयरिंग होगी वहाँ पर ये बेंडिंग देखने को मिलेगी इस तरीके से पेयरिंग होगी पेयरिंग होने के बाद में जब एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है तो उस टाइम पर अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके से एडजस्ट एडजस्टेंट टू जो सेग्रीगेट होंगे तो वहाँ पर नॉन वायबल यानी कि डुप्लीकेशन वगैरह तो देखने को मिलेगा तो, तो सारे के सारे गैमेट्स नॉन वायबल होंगे लेकिन अगर यहाँ पर ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन होता है तो यहाँ पर सारे के सारे वायबल गैमेट्स देखने को मिलेंगे इतनी चीज़ आपने ध्यान रखनी है और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा रोबर्ट सोनिन में जी बैंडिंग के थ्रू यहाँ पर आइडेंटिफाई किए जाएंगे ये तो आप देख भी सकते हो कि एनाफेज टू में जब यहाँ पर सेग्रीगेशन हुआ था तो एनाफेज टू में आप देखें यहाँ पर वायबल कैमेट मिले और एडजेंट एडजेंट वन और एडजेंट टू के केस में यहाँ पर सारे के सारे नॉन वायबल कैमेट्स मिले क्योंकि आप देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी ई एफ जी तो ई एफ जी एफ जी क्या है डुप्लीकेशन तो ये हमारा नॉन वायबल है क्योंकि डिलीशन और डुप्लीकेशन मैंने बताया था ना नॉन वायबल होंगे दूसरे वाले में भी ये देखिए ई एफ जी तो ये भी नॉन वायबल क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस डुप्लीकेशन नॉन वायबल लेकिन यहाँ पर देखिए जो ए बी सी डी ई एफ जी दूसरा देखिए एम एन ओ पी क्यू आर एस दोनों के दोनों नॉर्मल है ए बी सी डी ई एफ जी एम एन ओ पी क्यू आर एस ये भी नॉर्मल है ए बी सी डी इसके अलावा ई एफ जी नीचे है ई एफ जी एम एन ओ पी क्यू आर एस सारे के सारे हैं यहाँ पर ये भी वायबल है सेम ये वाला भी वायबल है तो सारे वायबल गैमेट्स है जबकि यहाँ पर दूसरे में देखिए यहाँ पर जब वर्टिकल तरीके से सेग्रीगेशन हुआ तो ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी डुप्लीकेशन ये देखिए ए बी सी डी डुप्लीकेशन एम एन ओ पी का डुप्लीकेशन तो यहां पर जब एडजेसेंट वन और एडजेसेंट टू यानी हो तरीके से और वर्टिकल तरीके से जब सेग्रीगेशन हुआ तो यहां पर सारे नॉन वायबल गैमेट्स हैं ऑल्टरनेट या डायगोनल सेग्रीगेशन हुआ तो यहाँ वायबल गैमेट है और इसका आइडेंटिफिकेशन आप जी बैंडिंग से कर सकते हो आप क्वेश्चन देखिए आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं मेन चीज आपने क्या ध्यान रखना है मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ट्रांसलोकेशन होता है में मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ जो ट्रांसलोकेशन होता है वहां पर एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या करते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है जिसका रिजल्ट क्या होगा जिसका रिजल्ट आपको लॉन्ग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखने को मिलेगा लॉन्ग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखने को मिलेगा और स्मॉल मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखने को मिलेगा तो क्रोमोसोम में यहाँ ट्रांसलोकेशन होता है इसका रिजल्ट आपको ये देखने को मिलेगा दूसरी चीज यहाँ पर जो पेयरिंग है पेयरिंग के बाद में जब यहाँ पर एनाफेज वन के बाद एनाफेज टू यहाँ पर देखने को मिलेगा और जब सेग्रीगेशन होगा यहाँ पर तो सेग्रीगेशन में भी तीन तरीके सेग्रीगेशन हो सकता है एक हो सकता है आपका एडजेसेंट वन और एडजेसेंट टू यानी एडजेसेंट एडजेसेंट वाले ही सेग्रीगेट हो रहे हैं हो और वर्टिकल वाले में तो यहाँ पर डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा सारे के सारे गैमेट्स में तो सारे नॉन वायबल होंगे सारे के सारे क्या देखने होंगे नॉन वायबल जबकि ऑल्टरनेट के सेग्रीगेशन केस में यहाँ सारे के सारे क्या होंगे सारे के सारे वायबल गैमेट होंगे ये चीज आपने देखी है तो यहां पर इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किससे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन एक और चीज ध्यान रखना रोबर्ट सो इन ट्रांसलोकेशन इज अ टाइप ऑफ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कैसा आइए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है रोबर्ट वाला ठीक है तो यहां पर इसी से क्वेश्चन पूछा गया आपको बताना है यहां पे थ्री वे ऑफ सेग्रीगेशन है यहां पर एनाफेजन वुड बी एडजेसेंट वन यहां देखने को मिलेगा वर्टिकल तरीके से हॉरिजॉन्टल तरीके से ऑल्टरनेट तरीके से यहां पर सेग्रीगेशन देखने को मिलता है तो ये करेक्ट है बिल्कुल गैमेट जो एडजेसेंट वन और टू यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तरीके से मिलेंगे वो नॉन वायबल होंगे क्योंकि वहाँ डिलीशन डुप्लीकेशन देखने को मिलेगा ये भी करेक्ट है ऑल कैमेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन विल भी वाइबल कि ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन के रिजल्ट में जितने कैमेट्स होंगे सारे वायबल होंगे ये भी करेक्ट है ठीक है इसके अलावा डायसेंट्रिक एकरोसेंट्रिक क्रोमोजोम ये वाला तो हमें पैरासेंट्रिक के केस में देखने को मिला था ना कि रेसिपरोकल ट्रांसलोकेशन तो ये ध्यान रखना दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोबर्ट्स ऑन इन ट्रांसलोकेशन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिपरोकल ट्रांसलोकेशन ठीक है

तो यहाँ आपको पता है कि इंडिपेंडेंटली असोर्ट होंगे यहाँ पर जिन लास्ट में तो ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पर देयर विल बी चेंज इन द फिजिकल मैप बट नो चेंज इन जेनेटिक मैप कि रोबर्ट्स ऑन इन ट्रांसलोकेशन में जब ट्रांसलोकेशन ही चीज का हो रहा है जब यहाँ पर ये पूरा ट्रांसलोकेट हो जा रहा है दूसरे में तो जेनेटिक मैप मेक, मेकअप तो वैसे ही चेंज हो रहा है तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है कि यहाँ जेनेटिक मेकअप चेंज नहीं होगा बिल्कुल चेंज होगा तो जैसे ही सी इनकरेक्ट होते हैं दोनों ऑप्शन आपके कट जाते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इट कैन बी आइडेंटिफाई बाई जी बैंडिंग बिल्कुल जी बैंडिंग से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है सी बैंडिंग से नहीं किया जाता इट कैन लीड टू डाउन सिंड्रोम बिल्कुल मैंने भी बताया था कि जैसे कि एक्रोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिकोम हम फोर्टीन और ट्वेंटी ले वन लेते हैं तो रिजल्ट क्या होगा डाउन सिंड्रोम होगा तो ये भी करेक्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी एफ ठीक है नेक्स्ट यहां पर एक और आता है यहां पर बर्किट लिम्फोमा एक चीज ध्यान रखना क्रॉस ओवर्स अप्रेसर कहाँ देखने को मिलता है इन्वर्जन के केस में देखने को मिलता है ये चीज ध्यान रखना ट्रांसलोकेशन में देखने को नहीं मिलता ठीक है एक है बर्किट लिम्फोमा बर्किट लिम्फोमा से भी क्वेश्चन पूछा गया है ये तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं होता क्या है ये तो ये पोजिशनल इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है तो इसमें क्या होता है इसमें आपका जो क्रोमोजोम नंबर एट होता है ये क्रोमोजोम नंबर एट का शॉर्ट आर्म है ये लॉन्ग आर्म है और जो क्रोमोजोम नंबर फोर्टीन होता है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है यहाँ पर ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है आप देख सकते हो कि जो लॉन्ग आर्म है इसमें छोटा सा हिस्सा क्रोमोजोम नंबर फोर्टीन का आ गया और दूसरे बारे में आप देख सकते हो छोटा सा हिस्सा इसका चला गया और ये क्या है काइंड ऑफ कैंसर है लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है तो एक बर्किट लिम्फोमा इज अ काइंड ऑफ कैंसर जिसमें कि जो क्रोमोजोम नंबर एटीन और फोर्टीन है उसका जो लॉन्ग आर्म का जो पार्ट है वापस में ट्रांसलोकेट हो जाता है ठीक है इसका रिजल्ट भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट में यहां पर भी ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन में वायबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे और एडजेसेंट वन और टू में यहां पर नॉन वायबल रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे तो यहां पर देखिए क्वेश्चन देखिए फोर प्रोमोजोम अभी मैंने क्या बताया यहां पर एटींथ प्रोमोजोम होगा और फोर्टींथ प्रोमोजोम होगा ठीक है पेयर में होंगे तो पेयर में ये पेयर में इस तरीके से पेयर में होंगे ये एटींथ वाला और ये फोर्टीन वाला तो इनका जो लॉन्ग आर्म है वहां पर ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगा तो फोर फोर क्रोमोजोम दैट इज नॉर्मल क्रोमोजोम एट और फोर्टीन एंड ट्रांसलोकेटेड क्रोमोजोम एट एंड फोर्टीन पेयर टूगेदर बिल्कुल ये पेयर करेंगे क्या करेंगे यहां पर पेयरिंग देखने को मिलेंगी ठीक है एटीन और एट और फोर्टीन क्रोमोजोम में ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल क्रोमोजोम एट और फोर्टीन ट्रांसलोकेट क्रोमोजोम जो है सेपरेटली पेयर करेंगे नो ऑल गैमेट फ्रॉम दिस

ट्रांसलोकेशन आर यूज एस क्रॉस ओवर सप्रेसर लेकिन क्रॉस ओवर सप्रेसर के जैसा इन्वर्जन को यूज किया जाता है तो ई गलत हो गया ई गलत हुआ तो सारे के सारे ऑप्शन कट जाते हैं आपके पास ए और डी आ जाता है ठीक है बस इतनी चीज ध्यान रखना बर्किट लिम्फोमा में एटीन और फोर्टीन क्रोमोजोम जो होते हैं वहां पर ट्रांसलोकेशन देखने को मिलता है जिसमें, क्या देखने को मिलेगा? जिसमें जो अल्टरनेट पेर सेग्रीगेशन होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे और बाकी के जो होंगे वहां पर नॉन वायबल क्रोमोजोम भी देखने को मिलेंगे ठीक है जो कि हम लोगों ने जैसा कि हम लोगों ने किस में देखा था रोबोट में देखा था तो वैसा ही कुछ रिजल्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन देखिए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन काइंड ऑफ क्या है ये, है. Myosis, ये वाला तो हमने देखा था. में, ना ट्रांसलोकेशन में यहां ट्रांसलोकेशन पूछा गया है इनवर्जन नहीं तो ये तो गलत है वायबल गैमेट होंगे डिलीशन डुप्लीकेशन डिलीशन डुप्लीकेशन के साथ में नॉर्मल कैसे हो सकते हैं गैमेट इनवायबल होते हैं वायबल गैमेट होंगे विद ओनली पेरेंटल टाइप क्रोमोसोम कि वही वायाबल गैमेट होंगे जिनका कि जो जैसे मैंने बताया था ना ए बी सी डी ई e, एफ जी ऑल्टरनेट वाले में सारे के सारे वही थे जो पेरेंटल वाले थे तो पेरेंटल वाले जहां मिलेंगे वही वायबल होंगे ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड तो नॉर्मल आपको पढ़ने थे, यहां पर ऑप्शन उप्षयंस, हो जाता ट्रांसलोकेशन तो में, तो सेंट्रिक सेंट्रिक में सरवाइव ही नहीं करेंगे तो वायबल कैसे होंगे पेरेंटल टाइप वाले सर्वाइव करेंगे तो ये करेक्ट है वायबल होते हैं पेरेंटल वाले सॉरी ये करेक्ट है ठीक है सो थैंक यू सो मच एवरीवन मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको पैरे और पेरासेंट्रिक के भी क्वेश्चंस करवाओगे कुछ कुछ सो so, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अ ग्रेट लर्निंग